हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेडीज शर्ट की डिजाइन लेके आई हूँ। तो आप सब देख सकते हो यह शर्ट बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आप देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। शर्ट की लंबाई लेंगे 26 इंच और चौड़ाई 19 इंच लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर कट कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। एक बार पहले ही फोल्ड कर चुके थे, फिर एक बार फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और कंधे की चौड़ाई 4.5 इंच लेंगे। इसको 7 इंच रखेंगे फ्रेंड्स और कुछ इस तरीके से गोलाई कर देंगे। यहाँ पर 3 इंच लेंगे गले की लंबाई, इस तरीके से गोलाई कर देंगे। अब इसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम फ्रंट वाले पीस को इस तरीके से रख के कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको इस तरीके से फैलाएंगे। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ नीचे भी बीचों बीच इस तरीके से करके उसके बाद 2.5 इंच का निशान इधर भी लगा लेंगे। अब इधर भी सीधे सीधे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरीके से कट कर देंगे। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई रख के 1 इंच की लंबाई रखेंगे। उसके बाद गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी मैंने 3 इंच चौड़ा कट कर लिया है। इसको सिलने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके सिलेंगे। देख सकते फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से फोल्ड कर हम सिलाई कर लेंगे। काज पट्टी हमारा तैयार हो गया है। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे इसमें। बटन पट्टी कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ कंधे को जॉइंट करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको शर्ट सिलना बता रहे हैं। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब यहाँ फ्रेंड्स स्लीवलेस है इसलिए इस तरीके से मोड़ कर सिल लेंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ मोड़ कर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मोड़ कर सिलाई करने के बाद हम फिटिंग करेंगे।
दोनों तरफ इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम कॉलर को लगाएंगे, तो कॉलर को लगाने के लिए सबसे पहले हम इंची टेप से इस तरीके से नाप लेंगे कि हमारा कॉलर कितना बड़ा रहेगा। अब यहाँ पर कॉलर की लंबाई 21.5 इंच आ रही है फ्रेंड्स, तो हम इस तरीके से दो बार फोल्ड करके कपड़े को रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और डिजाइन बनाने के लिए हम इस तरह कपड़े को लेंगे। वहाँ पे ऐसे छोटा सा कट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हम सिलाई करेंगे। जहाँ तक कट लगाया हमने वहीं तक सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इस साइड भी हम बीच में छोड़कर और इस साइड भी इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसको पलट लेंगे फ्रेंड्स। इस तरफ भी हम पलट लेंगे। आप देख सकते हो दोनों तरफ मैंने पलट लिया है। अब हम कॉलर को जॉइंट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से जहाँ से कट हमने लगाया था यहाँ पर खुला जहाँ से छोड़े हैं वहीं से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तरीके से कॉलर को लगाएंगे फ्रेंड्स। एक बार सिलाई करने के बाद हम इस तरीके से दोबारा सिलाई कर लेंगे। शर्ट में नीचे मोड़कर सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो फ्रेंड्स शर्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर बटन लगा सकते हो जैसा भी आपको अच्छा लगता है। मैंने इस तरीके का बटन लगाया है।